हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक बार फिर मैं एक और पार्ट आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग पर आधारित। जो परीक्षा है, गांधी विचार संस्कार परीक्षा 19 दिसंबर को आयोजित होने वाली है, तो उसी से संबंधित आज की ये सीरीज है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं, सत्याग्रह का अंत करके तुम्हें इंग्लैंड होकर देश आना चाहिए, यह इच्छा गांधी से किसने प्रकट की? दोस्तों, जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह खत्म हो चुका था, तब ऐसे शब्द किसने कहे महात्मा गांधी जी से, या ऐसे किसकी इच्छा थी? ऑप्शन है तिलक, वह वल्लभ भाई पटेल, स महात्मा गांधी और द गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले चाहते थे कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का अंत होने के बाद में गांधी जी हिंदुस्तान इंग्लैंड होते हुए आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड युद्ध की घोषणा कब की गई? दोस्तों, ऑप्शन है 4 अगस्त, 6 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त। तो आपका आंसर है 4 अगस्त को इंग्लैंड युद्ध की घोषणा की गई, और तब महात्मा गांधी वहीं थे और वो उस समय वहाँ पर फंस गए थे। वो हिंदुस्तान आना चाहते थे, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में क्लियर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़ाई में घायल होने वालों के लिए कपड़ा सीने और काटने वाली स्त्रियों के क्लब का क्या नाम था? दोस्तों, इंग्लैंड में युद्ध शुरू हो चुका था और महात्मा गांधी वहां फंस गए थे, तो महात्मा गांधी की टीम ने भी वहां जो रह रहे हिंदुस्तानियों ने वहां पर युद्ध में जो जख्मी सैनिक थे उनकी सेवा की थी, मेडिकल उपचार उनका किया था। तो उसी समय की ये बात है, वहाँ पर जो लड़ाई में घायल होते थे उनके लिए कपड़े सीने वाली और काटने वाली जो स्त्रियों का जो क्लब था बनाया गया था, एक उसका क्या नाम था? आपके ऑप्शन है जीलियम, ब कामिनिया, से लाइसियम और द सीरिएटा। तो आपका सही आंसर है लाइसियम। उन स्त्रियों का जो क्लब था उसका नाम था लाइसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा के सिद्धांत की चर्चा गांधी जी ने कहाँ की थी? अहिंसा के सिद्धांत, अहिंसा, गांधी जी को अहिंसा का पुजारी कहा जाता है दोस्तों, तो उन्होंने अहिंसा के संबंधित जो उनके सिद्धांत थे उनकी चर्चा कहाँ पे की है? इसका सही आंसर है हिंद स्वराज पुस्तक में उन्होंने इस अहिंसा के सिद्धांतों की चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें शामिल होना महात्मा गांधी ने अपना धर्म नहीं माना था? युद्ध में, अहिंसा में, समाज में और परिवार में। तो दोस्तों, युद्ध में शामिल होना उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलायत में महात्मा गांधी को क्या बीमारी हुई थी? दोस्तों, विलायत में जब वो दक्षिणी अफ्रीका से इंग्लैंड होते हुए हिंदुस्तान आने वाले थे तो वहाँ पर वो रुके, युद्ध के कारण वहाँ फंस गए थे, तो उस समय पसली का वर्म मतलब पसलियों में सूजन आ गई थी उनके, तो ये बीमारी उनकी हुई थी। अगला प्रश्न है, विलायत में गांधी जी के साथ कौन रहते थे? दोस्तों, लास्ट वीडियो में भी हमने जिक्र किया था, मिस्टर केलन बेक जो काफ़ी समय तक महात्मा गांधी जी के साथ रहे, उनके सहयोगी रहे, तो विलायत में भी ये महात्मा गांधी जी के साथ थे। तो आपका आंसर है मिस्टर केलन बेक। अगला प्रश्न है, विलायत से लौटते समय गांधी जी को किसके योग वियोग का दुख अधिक हुआ? दोस्तों, जब इंग्लैंड से हिंदुस्तान आ रहे थे तो किस से बिछुड़ने का दर्द या वियोग का दुख महात्मा गांधी को हुआ? तो इसका आंसर भी है मिस्टर केलन बेक। काफ़ी लंबा समय इन्होंने दक्षिणी अफ्रीका में बिताया और विलायत में भी ये साथ में रहे, तो जब इन्हें हिंदुस्तान आना था तो इनको उनका जो वियोग था वो काफ़ी दुख हुआ इनको, उनको छोड़ने का, तो मिस्टर केलन बेक थे वो व्यक्ति।
नेक्स्ट प्रश्न है, कैलन बेग का व्यवसाय किस स्थान पर था? दोस्तों कैलन बेग को वहाँ छोड़ करके, गांधी जी विलायत में छोड़ करके आ गए थे, तो कैलन बेग वापस दक्षिण अफ्रीका में आ गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दिया था। तो व्यवसाय किस स्थान पर था उनका? दक्षिणी अफ्रीका में उनका व्यवसाय था। और वो व्यवसाय कौन सा था, कौन सा रोजगार करते थे वो? तो उनका था गृह निर्माण कला व्यवसाय, गृह निर्माण का उनका कार्य था। अगला प्रश्न है, गांधी जी सच्चे का रखवाला किसे मानते थे? गांधी जी सच्चे, जो सच्चे इंसान होते हैं उनका रखवाला कौन मानते हैं, किसको मानते थे कि भाई सच्चे जो लोग होते हैं उनकी रखवाली कौन करता है, ऐसा वो किसके लिए मानते थे? बुद्ध को, ईसा को, गौतम को, राम को? तो राम इसका सही आंसर है। राम भगवान जो है उनको वो यह मानते थे कि जो सच्चे लोगों की जो रक्षा करता है वो राम भगवान करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जकात एक शब्द है आया है इसमें, जकात का अर्थ क्या है? सहयोग, सामाजिक अनुदान, धार्मिक अनुदान और चुंगी। तो जकात का अर्थ है चुंगी, चुंगी देना जकात का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, काकड़ी गुरुकुल के बाद फिनिक्स वासी कहाँ रहे? काकड़ी गुरुकुल इंडिया में है ये, काकड़ी गुरुकुल के बाद फिनिक्स वासी कहाँ रहे? दोस्तों जब महात्मा गांधी इंडिया आ चुके थे, वो इंग्लैंड होते हुए आए थे, लेकिन उसके जो वहाँ फिनिक्स आश्रम के जो वासी थे उनसे पहले ही इंडिया आ चुके थे, तो उन्हें सबसे पहले इंडिया में कहाँ पर रखा गया? अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिनिक्स वासियों को कहाँ पर रखा गया सबसे पहले, और आपके ऑप्शन अगर आपको मिलते हैं उन ऑप्शनों में आपको काकड़ी गुरुकुल मिलता है, तो आपका आंसर आपको डालना है कांकड़ी गुरुकुल। सबसे पहले उन्हें फिनिक्स वासियों को कांकड़ी गुरुकुल में रखा गया था, और उसके बाद में क्वेश्चन इसका आपका आ रहा है कि कांकड़ी गुरुकुल के बाद में फिनिक्स वासियों को कहां रखा गया, तो आपका सही आंसर होगा शांति निकेतन में। शांति निकेतन में इनको बाद में रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देश आकर गांधी जी ने कौन सा पहनावा अपनाया? देश में आने के बाद में गांधी जी ने कौन सा पहनावा, कौन सी ड्रेस पहनना शुरू किया? काठियावाड़ी, दोस्तों काठियावाड़ी ड्रेस उन्होंने पहनना शुरू किया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह के समय गांधी जी ने कौन सा पहनावा अपनाया था? जब दक्षिण अफ्रीका में थे, जब वो सत्याग्रह कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कौन सा पहनावा अपनाया था? आपके ऑप्शन है पंडितों वाला, वकीलों वाला, गिरमिटीय मजदूरों का और सादा। तो इसका आंसर है गिरमिटीय मजदूर, उन्हीं के लिए उन्होंने आंदोलन किया था, उन्हीं के अत्याचारों से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, तो वहां पर उन्होंने गिरमिटीय मजदूरों के जैसा पहनावा पहना था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कुर्ता धोती के साथ अपने पहनावे में क्या जोड़ा? साफा, कश्मीरी टोपी, हैट, पारसी केप। सही आंसर है कश्मीरी टोपी, कुर्ता धोती के साथ उन्होंने कश्मीरी टोपी पहनना शुरू किया। अगला प्रश्न है, दादू भाई किसका काम करते थे? दादू भाई किसका काम करते थे? तो इसका सही आंसर है शिक्षक थे ये, और शिक्षक का काम करते थे, और इनकी पत्नी का नाम भी यहाँ जिक्र किया गया है, तो आप इनकी पत्नी, दादू भाई की पत्नी का नाम आप याद रख सकते हैं, दानी बहन, दानी बहन दादू भाई की पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न है, गांधी जी दूसरी बार दक्षिणी अफ्रीका से कब लौटे? 1911 में, 1919 में, 1913 में और सन 1914 में। तो ये सन 1914 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। अगला प्रश्न है, गांधी आश्रम में करघे से बुनाई का कार्य किसने किया? दोस्तों गांधी जी आ चुके थे और इनकी तीव्र इच्छा थी कि वो गुजरात में परमानेंटली सेट हो जाएं गुजरात के आसपास, तो गोखले जी ने भी इनकी इच्छा का आदर किया और ये वहाँ पर बस चुके थे, और बसने के बाद में इन्होंने अपने आश्रम में करघे ला करके उस पर बुनाई कार्य शुरू कर दिया था। तो ये बुनाई का कार्य किसने सीखा था उनके आश्रम में सबसे पहले? तो रामजी ने, गंगा बहन ने, मगनलाल गांधी ने और महाजन ने। तो सही आंसर है मगनलाल गांधी, वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले करघे से बुनाई का कार्य सीखा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रारंभिक विधान निर्माता कौन थे? कांग्रेस के जो प्रारंभिक था, जो शुरुआत करने था, शुरुआत इस पार्टी की हुई थी, तो उसके प्रारंभिक विधान निर्माता कौन थे? आपका सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृतसर कांग्रेस के सभापति कौन थे? अमृतसर में जब कांग्रेस हुई की जो महासभा हुई, तो उसके सभापति कौन थे? गोखले, तिलक, सुरेंद्रनाथ, पंडित मोतीलाल नेहरू। आपका सही आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने पहली बार नॉन कोऑपरेशन शब्द का प्रयोग कहाँ किया था? पहली बार नॉन कोऑपरेशन शब्द है असहयोग का प्रयोग कहाँ किया था? कलकत्ता सभा में, महाराष्ट्र सभा में, पंजाब की सभा में और पश्चिम बिहार में की सभा में। तो सही आंसर है पंजाब की सभा में, उन्होंने, महात्मा गांधी ने पहली बार कोऑपरेशन मतलब असहयोग शब्द का प्रयोग किया था।
अगला प्रश्न है, गांधी जी और गंगा बहन के प्रयास से कहाँ की खादी मशहूर हो गई थी? कोटा की, राजकोट की, पूना की, बीजापुर की? तो दोस्तों बीजापुर की जो खादी थी वो काफ़ी फेमस हो गई थी महात्मा गांधी और गंगा बहन के प्रयास से। तो कहाँ की खादी खादी उस समय फेमस हुई? बीजापुर की खादियाँ फेमस हुई, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बीजापुर आश्रम में बनने वाली जो खादी थी वो कितने अर्ज की होती थी? आपके ऑप्शन है 20 अर्ज की, 30 अर्ज की, 50 अर्ज की और 40 अर्ज की। तो सही आंसर है इसका 30 अर्ज की खादी वहाँ पर बीजापुर आश्रम में बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, किस सभा में हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता निवारण के बारे में और खादी के बारे में प्रस्ताव पास हुआ? खिलाफत परिषद में, नागपुर महासभा में, गुजरात परिषद में और कलकत्ता परिषद में? तो इसका आंसर है नागपुर महासभा में इस संबंध का प्रस्ताव पारित हुआ। अगला प्रश्न है, नागपुर अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि उपस्थित हुए थे? 10,000, 16,000, 12,000, 14,000? तो नागपुर जो अधिवेशन था उसमें कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था उसमें 14,000 प्रतिनिधि उपस्थित हुए। नेक्स्ट प्रश्न है, फौजी कानून, तो यहाँ फौजी कानून भी यहाँ का जिक्र किया गया है। तो फौजी कानून कहाँ से लागू हुआ था? इसका सही आंसर है पंजाब से। पंजाब से फौजी कानून लागू हुआ और इसका एक और नाम था और वो नाम था नादिर शाही, नादिर शाही कानून भी इसका एक नाम था। अगला प्रश्न है, गुजराती मासिक पत्रिका का क्या नाम था? दोस्तों गुजरात में एक मासिक पत्रिका निकलती थी, गुजराती मासिक पत्रिका, उसका क्या नाम था? यंग इंडिया, क्रॉनिकल, बंगदूत, नवजीवन? तो सही आंसर दोस्तों नवजीवन। गुजराती मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी ये, महीने में एक बार निकलती थी और गुजराती पत्रिका थी ये, इसका नाम था नवजीवन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवजीवन पत्रिका को कहाँ से छापा जाता था? बम्बई से, बड़ौदा से, पूना से, अहमदाबाद से? तो सही आंसर है दोस्तों अहमदाबाद से। नवजीवन अच्छे क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो एक बार मैं आपको रिपीट करना चाहूँगा, नवजीवन एक मासिक समाचार पत्रिका थी जो गुजराती थी और इस जो समाचार पत्रिका के जो संपादक थे, जिन्होंने प्रभावी रूप से इनके संपादक का कार्य किया, उनका नाम था इंदुलाल याग्निक। इंदुलाल याग्निक आप याद रख सकते हैं, नवजीवन पत्रिका, इंदुलाल याग्निक, ये मासिक साप्ताहिक मासिक पत्रिका थी और इसको बाद में साप्ताहिक कर दिया गया था और ये कहाँ से छपती थी? अहमदाबाद से छापी जाती थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सत्याग्रह की शिक्षा में किसे बाधा माना गया? आपके ऑप्शन है अंग्रेजी को, हिंदी को, संस्कृत को, रोमन को? सही आंसर है अंग्रेजी को। दोस्तों अंग्रेजी भाषा को महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शिक्षा में बाधक माना। अगला प्रश्न है, किस मिल मालिक ने गांधी जी को सहयोग किया था? कमर सेठ, पोलक, गंगा बहन, उमर सोमानी? उमर सोमानी भी एक मिल के मालिक थे जिन्होंने महात्मा गांधी को काफ़ी सहयोग किया था। दोस्तों ये थे महात्मा गांधी जी से संबंधित उनकी जो आत्मकथा है सत्य के साथ मेरे प्रयोग पर आधारित 30 क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय